न्यू टू फैमिली, कैसे हैं आप लोग? और हम लोग बैंक से आ चुके हैं और अब जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि कल हम लोग की कुछ शॉपिंग जो है अधूरी रह गई थी, क्योंकि कल जो है वोटिंग वाला रिजल्ट आया था तो पूरे रास्ते एकदम भरे हुए थे, तो हमने सोचा था कि आज ले लेंगे। तो हमने कल केवल एक दो सामान लिया था, आज जो है पूरा सामान लेने के लिए जा रहे हैं, तो अभी जैसे जैसे सामान लेते जाएंगे आपसे मिलते जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। यहाँ अपने हमारे मौसा का प्यार, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, तीन चार सिलेक्ट कर लिए, कह रहे सब ले लो। कितनी सुंदर बना, देखो ये, देखो ये, देखो ये वाली मुझे कम अच्छी लग रही है ना। हाँ, मुझे ग्रीन वाली सबसे अच्छी लग रही है। मुझे येलो वाली, तो येलो वाली ले लो। दोनों ले लो ना, येलो और ये दोनों का क्या करेंगे यार? पगला हो तुम, हटो चलो इधर, पकड़ो जरा। नहीं अब नहीं लेनी फ्रॉक, चलो यहाँ से। ये देखो मानेंगे नहीं, फ्रॉक नहीं लेनी है अब। लो चड्डी भी लेनी। नहीं चड्डी नहीं लेनी, मुझे लेना है उसके लिए कुछ फुल फुल जो वो एसी में पहन सके। वाह नहीं पर वो येलो ग्रीन ज्यादा अच्छा है। चलो ठीक है हाँ चलो, है तो बहुत कुछ, पर जो मुझे चाहिए वो नहीं मिल रहा। वो जो बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट वाले कपड़े आते हैं मुझे वो चाहिए यार। ये दो ले लिए, फुल का मिल ही नहीं रहा कोई। देखो एक फुल है पर ये नहीं आया। अरे एक चीज देखो, चलो आगे चलो, मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। देखो ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए जूते खरीदे हैं, देखो ये मेरे नहीं आएंगे, छोटे बच्चों के। अच्छा तब ठीक है, ये देखो ये क्यूटी है ना। तो पतियों की हालत पकड़ा दिया गया, झोला ये सब सारे सामान खरीद लिए। चलते हैं इनकी शॉपिंग में थोड़ा सा, अभी चलते हैं डराते हैं। डरा दिया। हम तो बोल के गए थे कि जा रहे हम खाने के सेक्शन में, देख कर आते हैं तो डरा ना था। चलो आओ फटाफट से, बारी आ गई है बिल करवाने की, क्योंकि हम लोग की शॉपिंग हो गई है, जितना हमें को चाहिए था वो सब कुछ मिल गया है। यहाँ पे बिलिंग हो रही है अभी, अभी मुस्करा रहे, पता चलेगा कितने पैसे खर्च हुए। तो हमारी शॉपिंग फाइनली ओवर हो गई है और अब हम लोग अपनी गाड़ी में बैठ के वापस जाने वाले हैं। तो ये देखिए सामान रखने बेचारे बहुत थक गए हैं, वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा मज़ा आया। हम लोगों ने दो फ्रॉक लिए, तो वहाँ जाके पता चला कि उसमें जो है एक फ्रॉक फ्री है। इतनी खुशी से भाग गई ये तेज़ी से, क्योंकि इनका तीन फ्रॉक लेने का मन था। फाइनली तीनों आ गई हैं, पर देखिए पसीना पसीना हो गए, दो चक्कर लगाए ऊपर नीचे। तो हम भी बैठते हैं जल्दी से गाड़ी में। और निकलते हैं अपने रूम की तरफ, क्योंकि अब टाइम भी काफी हो गया, 8:15 हो गया है और हम लोग को कल जो है घर भी जाना है। तो घर पहुंच चुके हैं और अब हो रही है डिनर की तैयारी। तो ये है आटा और बेसन वाली रोटी बनेगी, और सुबह की चने की सब्जी रखी हुई है, तो वही हम लोग डिनर में खाएंगे। तो हम बस वही आटा लगा रहे हैं और ये तब तक फ्रेश हो रहे हैं, आगे फ्रेश होके पर भी आपको दिखा नहीं सकते, कुछ ज्यादा ही फ्रेश होने वाले मूड में है ना। तो जल्दी से जो है आटा लगा लेते हैं और अपनी रोटी तैयार कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो मेरी रोटी हो चुकी है तैयार और ये आधी खा भी चुके हैं। मैंने उसे बोला कि व्लॉग बना लो, पर नहीं, भूखी आत्मा पहले खाने बैठ गई। इतना स्वादिष्ट खाना यार। वाओ। मैंने एकदम चोखा बाटी स्टाइल में उस रोटी बनाई है, बहुत टेस्टी, बेसन वाली टेस्टी है। जो कि हम लोग ने ऊपर वाली भाभी से बनाना सीखी है है ना?
तो चलिए जल्दी से हम भी खाना खाते हैं इससे पहले कि ये खत्म कर दें सब। तो आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, और अपने नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या खरीदा और किसके लिए खरीदा। तो हमारा व्लॉग ऐसे ही देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।